की लैंग्वेज है और मैं बहुत लोगों को बात करते हुए सुना भी है, तो अब मैं सीख रही हूँ भोजपुरी। आगे किसके साथ काम करना चाहती हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में, जैसे रवि किशन है, पवन सिंह है, तो किसके साथ काम करना चाहती हूँ? डायरेक्टर अभिषेक चड्डा आपके फेवरेट है? हाँ। अच्छा, इस एल्बम के लिए दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? प्लीज इस एल्बम को देखिए, लाइक कीजिए और बस इतना ही। नाम बताइए। मेरा नाम किरण सहाने है। मेरा नाम किरण सहाने है और मैं सबको नमस्कार कर रही हूँ और यही कहना चाहूँगी, अभी मैं बहुत छोटी सिंगर हूँ और आप लोग चाहेंगे तो मैं बहुत बड़ी सिंगर बन सकती हूँ। और प्लीज़ इस एल्बम को देखिए और मेरे को सपोर्ट कीजिए कि किरण नाम है मेरा और दुनिया में उजाला कर दूँ। मेरा नाम यही है कि मैं बहुत आगे जाऊँ, आप लोग को अच्छे अच्छे अपने मुंह से अच्छे अच्छे शब्द का जो होता है गाना उसको सुनाओ और आप लोग जरूर सुनिए। यही आप लोग से गुजारिश है, विनती है, प्लीज थोड़ा मेरे को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सर। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजू वासावड़े है और मैं गुजरात से हूँ। एल्बम के बारे में जानना चाहेंगे, आप गुजरात से भोजपुरी इंडस्ट्री में शामिल हो रहे हैं तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, एल्बम के बारे में जानना चाहेंगे? मुझे भोजपुरी भाषा बहुत अच्छी लगती है, स्वीट है एकदम। मैंने गुजराती किया है, राजस्थानी किया है, अभी मैं भोजपुरी, पंजाबी सब लैंग्वेज के दो करना चाहता हूँ। मैं एल्बम के बारे में जानना चाहेंगे, कितने गाने हैं और किस तरह के गाने हैं? जिससे होली पे सुन रहा हूँ, होली पे रिलीज होगी और होली से रिलेटेड एल्बम है, तो पूरा एल्बम होली से रिलेटेड है और होली से पहले रिलीज करेंगे हम लोग, जितना हो सके जल्दी फटाफट करते हैं हम लोग। कितने गाने हैं एल्बम में? छह गाने तो तय किए, फिर देखते हैं क्या होता है। सिंगर कौन कौन से हैं? सिंगर किरण जी है और मनोज जी है और आकाश जी। अच्छा, लोकेशन क्या क्या होगा एल्बम का, कब तक रिलीज करने का प्लान है, कुछ आइडिया? लोकेशन थोड़ा बहुत गुजरात में है, वलसाड़ है, वापी बिल्लीमोरा है और थोड़ा बहुत बॉम्बे में है। जैसे कि आपने कहा कि आप हर लैंग्वेज में एल्बम और फिल्मों में काम कर चुके हैं, लोगों को मौका दे चुके हैं, तो ऐसा कोई लैंग्वेज है जो आप बाकी है जिसपे आप काम करना? दोनों बाकी है। अब हिंदी में भी आ रहे हैं? हिंदी भी कर रहा हूँ ना, मुझ में है दम, हिंदी फिल्म कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट चल रही है अभी, वो दो महीने के बाद हम लोग पूरा उस पर ध्यान देंगे हम लोग। अच्छा, ये एल्बम कब तक रिलीज करने का प्लान है? ये होली से पहले, और दर्शकों से 15-20 दिन में हम लोग फटाफट डे नाइट करके पूरा करेंगे हम लोग। दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे इस एल्बम के लिए? बस सब लोग देखते रहे और इस तरह से करेंगे तो हम लोग का भी धंधा बिजनेस चला करेगा और नए नए लोगों को चांस भी मिलेगा, क्योंकि बहुत भोजपुरी में मैंने देखे नए नए सिंगर बहुत अच्छे गाते हैं लेकिन उनको ब्रेक नहीं मिलता है, तो मैंने सोचा गुजराती में मैंने बहुत लोगों को चांस दिया तो चलो भोजपुरी में भी सबको ब्रेक देता हूँ और मेरा भी नाम हो जाएगा उसमें। थैंक यू सर। थैंक यू। इधर देखना सर। सर सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम कमरुद्दीन सिद्दीकी है और मैं पहले मेकअप आर्टिस्ट रह चुका मतलब अभी करता भी मेकअप वैसे तो, लेकिन अब स्टार्ट कर रहा हूँ एज ए प्रोड्यूसर बनूँ, आप लोग का आशीर्वाद है। तो जैसे कि आज एल्बम की गाने की रिकॉर्डिंग चालू, तो एल्बम के बारे में जानना चाहेंगे, क्या खास है आपके लिए, कितना खास है, स्पेशल है? आज तो मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे इसे खुशी है कि ऑडियंस आए आज, मेरा प्यार मुझे पता चला कि कितने मेरे को लाइक करते और इसके लिए प्यार कर रहे, इसलिए मैं खुश हूँ आज। लेकिन खास करके भोजपुरी में इसलिए बनाऊंगा कि मुझे प्यार है भोजपुरी से। तो आगे क्या भोजपुरी फिल्में बनाना चाहेंगे कि हिंदी में भी आना चाहते हैं? मैं दोनों को लाइक करूँ, खासकर मैं हिंदी से भोजपुरी लाइक ज्यादा करूँगा, क्योंकि भोजपुरी आज वर्कर बहुत बनाते हैं, मैं नहीं चाहता कि वर्कर बने, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि परिवार के साथ देख सके। सर जिस तरह से एल्बम की बात करें तो प्रमोशन काफी, एल्बम को हिट कराने में काफी अहम हिस्सा होता है, तो प्रमोशन के लिए क्या क्या प्लानिंग तैयार किया गया आपकी? प्रमोशन में मैं कोशिश करूंगा कि मैं यूपी में, लखनऊ और बिहार में, पटना में जाके मैं प्रमोशन करूंगा और खास करके बम्बई में प्रमोशन करूंगा मैं। यूपी सरकार से अगर किसी मदद की जरूरत होगी तो क्या चाहते हैं आप? मैं तो गवर्नमेंट में नहीं मदद करना लेना चाहता हूं उनकी, मैं खास ऑडियंस के आशीर्वाद है तो मेरी मदद है। अच्छा, एल्बम का कब तक रिलीज होगा और क्या कितने गाने होंगे? मेरा ये 30 तारीख को शूटिंग स्टार्ट होगा, 30 तारीख को, ये 30 तारीख को, और 15 फरवरी तक रिलीज हो जाएगा, मार्केट में आ जाएगा। और मैं ऑडियंस से कहना चाहता हूँ सीडी या यूट्यूब द्वारा लाइक करे और पसंद कर मेरे को व्यू दे। आप फिल्में भी बना रहे हो तो प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे, आगे आने वाला कोई प्रोजेक्ट कौन सा? मैं एक फिल्म बना रहा हूँ मुझ में दम, जो फैसल खान है, आमिर खान के ब्रदर है और आमिर खान के भाई है, और मेरे साथ ऑलरेडी उनकी एक चिनार मूवी आ चुकी है, चिनार दास ने उसमें लाइन प्रोड्यूसर रह चुका हूँ और इस बार मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ मुझ में दम। थैंक यू। हाँ, जो आपका जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताइए, पहले शुभकामनाएं दीजिए।
हाय, मेरा नाम अमर श्रीवास्तव है, मैं कमरुद्दीन सिद्दीकी का मैं दोस्त हूँ। वो बहुत ही अच्छा आदमी है और हम यह चाहब कि तू लगी एल्बमा पसंद करा। एल्बमा जब तू पसंद करबा तो हमें के जानब, तू जब जान जेब तब तोरे साथे हम लोगों के काम कैले में अच्छा लगी। और हम हिंदी प्रोजेक्ट में इनके साथे काम करते हैं, जन तू पिक्चर सुन ले मुझ में दम, उसमें मैं मेन विलेन का काम कर रहा हूँ। और हम यह कहब कि आप लोगों के खाते हमें दिले जान से ही मेहनत कर जाई और आप देख के पसंद करेंगे। हम इतना हम मतलब दवा के साथ कह सकीला कि तुम लोग देख के बहुत आनंद कर लेवा। और ये होली के अवसर पे बाटे ये मैं इनके जो एल्बम है एक नाम है रंग डलवाला साली, तो ये होली के अवसर पे साली और जीजा के थोड़ा कॉमेडी भी है, पर इतना कॉमेडी ना है कि जितना तू जाना था कि पहले कुल एल्बम में होला या पहले कुल पिक्चर में होला कि मैंने घर में फैमिली के साथ ना देख सकला, ऐसा कोई बात ना। हमें खाली बस रंगलीला का मस्ती है ओके देखल जा, जो कि हर घर में होला यूपी में होली में जीजा चल जाना, तो जीजा के तो खैरियत ना है, क्या कि सब ये चाहना कि जीजा आयल बाटे तब भर के रंग दा। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।